खुशामदीद नाज़रीन, BNTN न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 8 नवंबर को सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी की यौम पैदाइश का दिन है। आज इनकी 553वीं यौम पैदाइश का दिन मनाया गया नामपली एग्जीबिशन ग्राउंड में, और इस मौके पर सरदार बलदेव सिंह बग्गा और इनकी सोसाइटी के लोगों के साथ साथ 15,000 से ज़ायद आवाम भी वहाँ पर मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर आसिफ की यह खसूसी रिपोर्ट, और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहे। आज हम सब गुरु नानक देव जी के 553वां गुरुपुरब मना रहे हैं एग्जीबिशन ग्राउंड में, जिसमें सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रबंधक, सिंह सभा प्रबंधक थे सिकंदराबाद गुरुद्वारे के प्रबंधक, सब साझा गुरुपुरब सब मना रहे हैं। तेलंगाना की पूरी संगत मिलकर मना रही है गुरुपुरब। ये गुरु नानक, ये लंगर जो चल रहा है, ये 20 रुपये में जब गुरु नानक देव जी चालू किए थे, और ये लंगर रहती दुनिया तक चलेगा लंगर। ये एक भाईचारा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का, ये गुरु नानक देव जी का मैसेज है, हम उसी को फॉलो करते हुए ये चल रहा है आज जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारा तो अभी तो 553 साल से चल रहा है गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब। 553 साल हो गए आज गुरु नानक देव जी के बर्थडे को जी। अभी हम तो बचपन से ही मना रहे हैं सब मिलजुल के, पूरी यहाँ की तेलंगाना की संगत, पूरे विश्व भर में ये जो गुरुपुरब मनाया जा रहा है आज बड़े होशहाल से। परसों नगर कीर्तन हुआ था, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसमें सभी ने भाग लिया था। आज भी करीब बहुत सारी संगत है जी। आज का जो लंगर है, ये गुरु नानक देव जी का लंगर है, सारी संगत की तरफ से है सारे जी। आज लंगर में कितने लोग आए होंगे आपके हिसाब से? आज करीब करीब एक 15,000 से 20,000 की संगत की एक्सपेक्टेशन है। हर साल यही में होता है, ये डुबकी पुन्नम वाला दिन होता है ये गुना। एग्जीबिशन ग्राउंड में हो रहा है ये जी, सिकंदराबाद गुरुद्वारे कमेटी, सरदार बलदेव सिंह जी बग्गा, हैदराबाद कमेटी। राइट साइड।